أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students economics third semester हमारे course title है principle of marketing chapter number 6 हम पढ़ रहे हैं और foundation of market segmentation STP strategic segmentation targeting and positioning जो है वो हमारा मेजर टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये पार्ट है कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का। ठीक है, तो इससे पहले हमने सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग के बारे में पढ़ लिया था। तो सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग के बाद अभी जो हमारा सॉरी सेगमेंटेशन और टारगेटिंग के बाद अभी जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है पोजीशनिंग और पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज, किस तरीके से हम पोजीशनिंग करते हैं, नीश मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट की इमेज बनाने के लिए। ठीक है, तो जब आप प्रोडक्ट की इमेज बनाएंगे टारगेट मार्केट के माइंड में, टारगेट कस्टमर के माइंड में, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंशिएशन का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अभी हम इस टॉपिक में नीच मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। नीच मार्केटिंग जो है इसको ज़्यादातर लोकल मार्केटिंग भी कहा जाता है। ठीक है ना, स्पेसिफिक मार्केटिंग भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये एक छोटे लेवल पे जो है सेगमेंटेशन को सेगमेंट्स को टारगेट किया जाता है, लोकल लेवल पे सेगमेंट्स को टारगेट किया जाता है और ये वो सेगमेंट्स होते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा कंपटीशन नहीं होती। ठीक है ना, ये वो सेगमेंट है जो कि ज़्यादातर प्राइस कॉन्शियस होती है। ठीक है ना, अब ये वो सेगमेंट है जिसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो ह्यूमन की होती है। ठीक है ना, बहुत सी ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें आप लोग मशीन या जिसमें आप लोग कोई इक्विपमेंट यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पे जो है उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। नेचुरल हाइजेनिक जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। जिस तरीके से अगर हम सर्फ की बात लें, ठीक है ना, जो वॉशिंग पाउडर है तो वो देखें तो डिफरेंट कंपनीज वॉशिंग मशीन के लिए अलग बनाती है और हैंड वॉश के लिए अलग बनाती हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत सी देहातों में वहाँ पे अभी भी जो है सोप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, कि वो वॉशिंग सोप से धोती हैं कपड़ों को और वो नहर साइड पे जाके और वहाँ पे जो है कपड़ों को धो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पोजीशनिंग। ठीक है ना, ये एक हमारे पास स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पोजीशनिंग है नीच मार्केटिंग, कि इसमें हम जो है एक लोकल और एक स्पेसिफिक ग्रुप को हम क्या कर रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं। द कंपनी डिसाइड्स टू ऑक्यूपाई अ मार्केट नीश वेयर इट कैन बी डिस्टिंक्ट एंड कंपटीशन वीक। ठीक है ना, कंपनी क्या करती है, कंपनी डिसाइड करती है कि हमने नीच मार्केटिंग को क्या करना है, नीच मार्केटिंग को ऑक्यूपाई करना है, हासिल करना है, उसको ग्रैब करना है। ठीक है ना, जो कि हर जगह से मुख्तलिफ होता है, डिस्टिंक्ट होता है एंड कंपटीशन भी वहाँ पर वीक होती है, कंपटीशन उसकी तरफ नहीं जाती क्योंकि वो इतने स्मॉल नंबर और अनआइडेंटिफाइबल सेगमेंट होते हैं कि उसमें कंपटीशन जो है वो अपना ध्यान इतना नहीं देती। ठीक है ना, फिर इस वजह से कोशिश की जाती है कि ज़्यादातर वो सेगमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर इस साइड पे जाती हैं जो कि कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेती बल्कि एक लोकल एरिया को क्या कर रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई सेगमेंट दैट आर नॉट वेल सर्व, और ये वो सेगमेंट आइडेंटिफाई करते हैं जो कि आज तक सर्व नहीं किए गए। मींस कि उनको जो भी प्रोडक्ट आप देते हो लेकिन उस प्रोडक्ट में उनको इस्तेमाल करने में या उस प्रोडक्ट को समझने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा आसान प्रोडक्ट, ईजी यूज प्रोडक्ट उनको देना चाहिए जो कि उनको आसानी से सर्व कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट वन है कि डिटरमाइन हाउ टू गेन अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर आपने ये भी डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से आप कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं, कौन सी चीज़ आप उनको सर्व करें दें जिनसे आपको फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सपेंड द नीच बाय मीटिंग कंज्यूमर नीड्स। ठीक है ना, आप नीच मार्केट को तब कैप्चर करेंगे, तब आप नीच मार्केटिंग में सक्सेसफुल होंगे जब आप कस्टमर की नीड्स को पूरा करेंगे। ठीक है ना, और तभी जाके आप एक्सपेंड कर सकते हैं कि आप और भी कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करें जितना आप आसानी से उनको हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना, लास्ट पॉइंट है कि डिफेंड द नीच पोजीशन बाय इम्प्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग्स। ठीक है ना, फिर आप किस तरीके से उनकी पोजीशनिंग को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरीके से और भी ज़्यादा आप पोजीशन कर सकते हैं, जितना आप अपने प्रोडक्ट को आसान बनाएंगे, इम्प्रूव करेंगे, उनकी फीचर्स को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है ना, उसके किसी अगर वो बंदा कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है जो कि स्पेसिफिक एरिया के लिए बना हो, लोकल मार्केट के लिए बना हो, तो फिर उनसे जो है कोई हार्मफुल कोई बीमारी उनको ना लगे या कोई चोट ना लगे उनको। ठीक है ना, या उससे स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो या उससे अंदरूनी जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जितना वो अगर पोजीशनिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उतने ही ज़्यादा उनकी सर्विस ऑफरिंग होनी चाहिए, उतनी ही ज़्यादा वो लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज किस तरीके से हम पोजीशनिंग कर सकते हैं टारगेट कस्टमर के माइंड में, या किस तरीके से हम सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं, तो पोजीशनिंग के हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि आप कंपिटिटर के अगेंस्ट जाएं, अगेंस्ट द कंपिटिशन जाएं, अगेंस्ट द अल्टरनेटिव जाएं, कि आप क्या करो, अल्टरनेटिव अगर मौजूद हो तो उनको भी आप लोग क्या कर लो, पीछे छोड़ दो, उनको भी आप लोग क्या कर लो, ख़त्म कर लो। ठीक है, किस तरीके से, वी आर एज गुड और बेटर। ठीक है ना, कि हम अच्छे भी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर भी हैं। ठीक है ना, कंपनी यही चाहती है कि वो कस्टमर्स के माइंड में ऐसी पोजीशनिंग करे, ऐसी इमेज बनाए कि वो सिर्फ ये ना कहे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, बल्कि वो ये कहे कि ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा जो है ये प्रोडक्ट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है ना, तो इस वजह से आप लोग मार्केटियर्स फिर क्या करते हैं, कंपटीशन के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से कोला वॉर्स हो गया, ठीक है ना, बैटरी एंड बैशर्स हो गया, ये कंपनीज क्या करती हैं, कोला की अगर हम एग्जांपल ले, पेप्सी उस तरीके से, कोका कोला इस तरीके से, अगर हम लोकल ब्रांड्स की बात लें, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने ब्रांड्स को आगे लेके जाएं और ऐसे टेस्ट, ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे फ्लेवर को इंट्रोड्यूस करें कि जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारे कंपनीज को फ़ायदा हो। इस तरीके से बैटरीज हो गई, ठीक है ना, तो बैटरी बेशर्स क्या है, ये हमारे पास कंपनीज हैं जो कि कोशिश करती हैं कि अच्छे से अच्छी बैटरीज प्रोवाइड की जाएं जिसके ज़रिए जो है लोगों को जो है लॉन्ग टर्म उससे बेनिफिट हो। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म उससे फ़ायदा मिल सके। मार्केट गैप, जब भी आप पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज को अपनाओगे आपने गैप को फाइंड आउट करना है। गैप मीन्स कि वो कौन सी जगह है, कौन सी नीड है जो कि सेटिस्फाइड नहीं हुई। ठीक है ना, तो आपने उन गैप्स को, उन जगहों को फाइंड आउट करना है जो कि सेटिस्फाइड नहीं हुई। ठीक है ना, तो फाइंड स्पॉट्स अदर मिस्ड, वो स्पॉट आपने फाइंड आउट करना है जो कि बाकियों ने मिस कर दिया है। ठीक है, नीश प्रोड्यूसर्स मेक विनल रिकॉर्ड्स। ठीक है,
और नीश प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, नीश प्रोड्यूसर जैसे कि हमने पहले बात की कि वो प्रोड्यूसर जो कि लोकल होते हैं, लोकल लोगों को टारगेट करते हैं। अच्छा, तो थर्ड पॉइंट इसमें है सेट ब्रांड अपार्ट, ठीक है, स्ट्रेस योर डिफरेंसेस एंड अवॉइड हेड टू हेड कंपटीशन, नथिंग्स रन लाइक अ डियर, ठीक है। इसमें मैं कहा गया है कि पोजीशनिंग स्ट्रेटजी आपकी तब इफेक्टिव होगी जब आप फोकस करोगे डिफरेंसेस पे, ठीक है ना। यू नीड टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट, ठीक है, चाहे वो प्राइस में हो, चाहे वो प्रोडक्ट के फीचर्स में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू हो, तो कोई भी तरीका अगर आप यूज़ करेंगे तो वो डिफरेंशिएट होना चाहिए, ठीक है ना। हेड टू हेड कंपटीशन आप लोगों ने नहीं करनी कि कंपटीटर अगर कोई चीज़ चेंज कर रहा है तो आप भी उसी तरीके से चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने हमेशा कोशिश यही करनी है कि अपनी डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसी डिफरेंसेस को आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट में लाना है या उस चैनल में लाना है, ठीक है, और उसी तरीके से प्राइस में लाना है, प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन में लाना है, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर के माइंड में ऑलरेडी अवेलेबल हो, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है लीडरशिप। लीडरशिप के जरिए आप कैसी पोजीशनिंग कर सकते हैं, बी द वन अदर्स फॉलो, ठीक है ना। आपने क्या करना है, अपने आप को लीडर बनाना है, ठीक है, आपने टॉप रैंकिंग हासिल करनी है। क्यों, क्योंकि जब आप टॉप रैंक पे आएंगे, जब उनको पता चलेगा डिफरेंट कंपटीटर्स को कि आप टॉप रैंक में हैं या आप लीडर हैं, तो वो आपको क्या करेंगे, फिर फॉलो करेंगे, ठीक है ना, आपके आइडियाज़ को कैच करेंगे, आपके आइडियाज़ को पसंद करते हुए फिर वो कोशिश करेंगे कि उनकी आइडियाज़ भी ऐसे हों, उनकी स्ट्रेटजीज भी ऐसे हों, ताकि वो तुम्हारे जो लीडरशिप है या तुम्हारा जो टॉप रैंक जिस वजह से आप आए हैं कस्टमर्स की और उनके माइंड में, तो उसी के ज़रिए आपको जो है वो फॉलो करें और फिर वो खुद भी कोशिश करें, स्ट्रगल करें, ठीक है ना। तो हमेशा खुद से डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करें ताकि कंज्यूमर के और कस्टमर के माइंड में वो आइडेंटिफाई हो और बाकी कंपनीज जो हैं वन स्टेप अहेड हो बाकी कंपनीज से, ठीक है। इस तरीके से ये जो स्ट्रेटेजी थी प्रेसिडेंट चॉइस ऑफ सोनी, सोनी कंपनी ने क्या किया था, यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि उन्होंने पहले से ही जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, नए आइडियाज़ को जनरेट करना शुरू किया, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो कि पोजीशनिंग स्ट्रेटजी का है वो है लाइफस्टाइल सेगमेंट अपील, ठीक है। यूज लाइफस्टाइल टू डिफाइन, जब भी आप किसी के माइंड में प्रोडक्ट की इमेज बनाएंगे तो आपने उसमें रियलिटी को शो करना है। किस चीज़ को शो करना है, रियलिटी को आपने शो करना है, ठीक है ना, एक रियल लाइफ स्टोरी को आपने जो है आइडेंटिफाई करना है। अगर हम देखें डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट में आजकल, तो हर एक चीज़ को ऐसे एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है जैसे कि रियल लाइफ में परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है। अगर हम सर्फ वॉशिंग पाउडर की एग्जांपल लें तो उसमें भी आप देखें तो डेली लाइफ की इवेंट्स बताए होते हैं और फिर उनका सलूशन भी बताया होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बना रहा है तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स को बता रहा होता है और उसका सलूशन जो है वो आप लोगों को बता रहा होता है, ठीक है। तो सेगमेंट में जो है, सॉरी, आपकी जो पोजीशन स्ट्रेटजी है उसमें अपील होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट के जरिए दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सम बाय फैंसी कैमरास टू टेक क्रिएटिव फोटोग्राफी, अदर्स टू इम्प्रेस, ठीक है ना। इस तरीके से अगर कैमरे की बात हम करें कि हर एक बंदा जो है वो आजकल चाहता है कि 120 मेगापिक्सल कैमरा हो, ठीक है ना, हर एक बंदा चाहता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर ऑप्शंस हो, ठीक है ना, जिसके ज़रिए वो लोग क्या करें, क्रिएटिविटी को कैप्चर करें, लाइफ को कैप्चर करें, अपने इवेंट्स को कैप्चर करें, ठीक है ना, अपने इवेंट्स को अच्छे से अच्छा बनाएं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप और भी एग्जांपल देखें
आजकल जो आप लोगों के सामने आती हैं एडवर्टाइजमेंट में, कि लोग यही कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को किसी न किसी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, चाहे वीवो मोबाइल हो, चाहे ओप्पो मोबाइल हो, चाहे रेडमी मोबाइल हो। तो वो आपको ऐसे पोस्ट, ऐसे आजकल जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है, तो उस पर आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं, जिस तरीके से 3D पिक्चर हो गए, ठीक है ना, हाई रेजोल्यूशन हो गए, या उसमें आप जो है किस तरीके से एनवायरनमेंट को कैप्चर करते हैं, एनवायरनमेंट की ग्रीन में किस तरीके से आप उसको टेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है जब एक प्रोडक्ट में अवेलेबल कर दी जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, एक अपील का काम करता है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप प्रोडक्ट को और चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और आप समझते हैं कि ये प्रोडक्ट आपसे रिलेटेड है और आपको ही इससे फ़ायदा मिलता है। इसी तरीके से ऑनलाइन भी आप लोग देखते हैं, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो रही होती हैं, तो वो आप लोगों के सामने एक अपील होती है, ठीक है। तो पोजीशनिंग स्ट्रेटजी में हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, बेटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बेटर डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लोजली आपने जो है वो मार्केट गैप को कवर करना है, ऐसा गैप जो कि बाकी कवर ना कर सकते हो, बाकी उनको फिलअप ना कर सकते हो, ठीक है ना। और ब्रांड को आपने ऐसे स्ट्रेस करना है कि उसमें आपका डिफरेंशिएशन जो है वो विजिबल हो, क्लियर डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। अगर क्लियर नहीं होगी तो फिर कंज्यूमर या जो आपके सेगमेंट जो आप टारगेट करने चाहते हैं, तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। इस तरीके से लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए, मीन्स कि आपने हमेशा सबसे पहले जो है आइडियाज़ को जनरेट करना है, लीड करना है मार्केट को। ऐसे नहीं है कि आप दूसरे के स्ट्रेटेजीज को कॉपी करें, बल्कि आपने खुद से अपनी स्ट्रेटेजीज को कॉपी करना है और उसको, सॉरी, खुद से अपनी स्ट्रेटेजीज को बनाना है, आइडियाज को डेवलप करना है, ताकि बाकी लोग आपको फॉलो कर सकें, ठीक है। इसी तरीके से लाइव सेगमेंट अपील होना चाहिए, मीन्स जो रियलिटी में हो रहा है, जो रियलिटी में लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जो प्रॉब्लम, तो वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास हो तो उसको आप शो करो, उसको आप बताओ, ताकि आसानी से वो प्रोडक्ट अपनी इमेज बना सके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है रीपोजिशनिंग का। रीपोजिशनिंग जिस तरह नाम से ही जाहिर है, जब एक चीज़ आप कस्टमर के माइंड में पोजीशन नहीं कर पाते, जब आप कोई नई चीज़ या कोई वेरिएशन ले आते हैं, तो उसमें आप दोबारा से रीपोजिशनिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या है, दिस इज अ वेरिएशन ऑफ अ पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व चेंजिंग द मार्केट पोजीशन ऑफ अ ब्रांड और स्टोर, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, चेंज करते हो मार्केट पोजीशन को, ठीक है ना, किसी दूसरे मार्केट में आप ऑफर करते हो, और या किसी स्टोर में आप ऑफर करते हो, इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ब्रॉडर मार्केट एनवायरनमेंट। तो आप इसको ये देख सकते हो कि अगर उसमें कोई चेंजेस आ रही है, उस मार्केट में आपको कोई चेंज नज़र आ रहा है कि ब्रांड इस तरह से हो या इस तरह से हो, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, एक ब्रॉडर मार्केट में ला सकते हो, जिसके मुताबिक आपको पता चल सकता है कि वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होगा या नहीं, ठीक है ना। तो आप अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग चेंज करते रहते हो टाइम टू टाइम, ताकि आप ब्रॉडर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इजीली लेके जा सको और उसके ज़रिए आप अपने कस्टमर्स को और उनको आसानी से टारगेट कर सको, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम कंपटीटर से प्रोडक्ट अपना अच्छा जो है वो लोगों के सामने ला सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट हमारे पास स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हम प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम अदर्स टू मेक इट मोर अपीलिंग टू अ स्पेसिफिक टारगेट मार्केट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस है, प्रोसेस जैसे कि हमने बात की थी कि सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जो कि एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होती हैं, कि सबसे पहले हमने सोचना है कि कौन कौन सी चीज़ें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सबसे पहले हमने समझना है कि कौन सी चीज़ों को हम
जो है आगे ला सकते हैं, ठीक है। और वो चीज़ें सोचनी है जो कि डिस्टिंग्विश करें हमारे प्रोडक्ट को, मुख्तलिफ जाहिर करें, ठीक है ना। और उससे हम क्या कर सकते हैं, एक अपील जनरेट कर सकते हैं, एक अट्रैक्टिवनेस जनरेट कर सकते हैं, ताकि वो जो टारगेट मार्केट है वो हमारी तरफ आ सके, टारगेट मार्केट हमारी तरफ मुतवज्जे हो सके। तो डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रोसेस है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं थ्रू अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ताकि हम उसको अपीलिंग बना सकें इन टारगेट मार्केट माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस डायग्राम में, तो ये एप्पल जो है ये डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ पे फिश देखें तो डिफरेंशिएट हुई है, ठीक है। इस तरीके से अगर स्पीड के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी जो है वो हमारे पास हाई स्पीड के जरिए से डिफरेंशिएट हुई है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट हम डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उसमें हम फीचर्स, वैरायटी, ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के जरिए। सर्विस डिफरेंशिएशन भी हम कर सकते हैं, ऑर्डर आसानी से करें, कस्टमर को आसानी से ट्रेन करें, उनको आसानी से प्रोडक्ट के बारे में बताएं, ठीक है ना। इस तरीके से चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में उनका कवरेज, उसकी एक्सपर्टीज और उसकी परफॉर्मेंस को हम जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। रिलेशनशिप डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, जिसमें हम कंपिटेंसी का जिक्र करेंगे, कर्टिसी का जिक्र करेंगे, क्रेडिबिलिटी का जिक्र करेंगे, ठीक है ना। मींस हम जो हमारे पास रिलेशनशिप जिनके साथ हमारी होती है, जिनके साथ अटैचमेंट होती है, तो उनके ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रेपुटेशन डिप्रिसिएशन भी हो सकती है। रेपुटेशन डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि आप उसकी परसेप्शन जो है वो कस्टमर के माइंड में एक अच्छी इमेज के जरिए आप उस प्रोडक्ट को बताएं, ठीक है ना। उसकी कस्टमर की जो परसेप्शन है उसको क्या करें, हाई करें, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिकेशन उसकी अच्छी तरीके से करें, ताकि वो प्रोडक्ट आसानी से उसके माइंड में आ सके। इस तरीके से प्राइस डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है ना। प्राइस बाय कस्टमर भी हो सकती है कि कस्टमर खुद डिसाइड करे, बाय क्वांटिटी भी हो सकती है, और बाय सेगमेंट भी आप प्राइस को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी थी, बाय प्रोडक्ट, बाय सर्विस, बाय चैनल, बाय रिलेशनशिप, बाय रेपुटेशन और बाय प्राइस। तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को कंपनीज की या डिफरेंट कंपिटिटर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो मार्केट सेगमेंटेशन उसका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, प्रोडक्ट के टाइप्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे।